आम आदमी पार्टी 4, कांग्रेस 3। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अहम बात यह है कि गुजरात में कांग्रेस उसे 2 सीटें दे रही है। भरूच और भावनगर सीट आम आदमी पार्टी को मिली है, यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि दूसरे राज्यों में भी उसे सीट मिले और हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है, ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, यह हम आपको दिखा देते हैं। कुल सीटें अगर बात करें राज्यवार, तो राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां कुल सीटें 7 हैं और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी, जबकि कांग्रेस यहां 3 सीटों पर लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस तरह से समझौता हुआ है। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 24 पर लड़ेगी, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी। इसके अलावा एक और राज्य हरियाणा की अगर बात करें, उस पर हम आएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी समझौता किस तरह से हुआ है। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी, जबकि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो लड़ेंगे, इस तरह से फॉर्मूला हुआ है। तो इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक ऐलान हो जाएगा, सब कुछ सेटल हो चुका है या अभी भी कोई पेंच रह गया है? देखिए, जो गठबंधन के तहत बातचीत थी वो काफ़ी दिनों से चल रही थी और अब गठबंधन को लेकर के बातचीत खत्म हो चुकी है और गठबंधन तय हो चुका है। 4 राज्यों में समझौता हुआ है, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा। हालांकि चंडीगढ़ की सीट को लेकर के भी समझौता हो गया है और यही वजह है कि अब दोनों दल कुछ ही देर में एक साझा प्रेस वार्ता करके इसका ऐलान करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से गठबंधन के तहत दोनों दल लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 4-3 के फार्मूले पर सहमति बनी है। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं। हालांकि जो भरूच की सीट है उस पर पेच फंसा हुआ था और बार बार कांग्रेस ये बात कह रही थी कि भरूच की जो सीट है उसे कांग्रेस को दे, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने विधायक चैतर को पहले ही वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया था और यही वजह है कि अंत में इस पर भी बात बन गई और भरूच और भावनगर की 2 सीटें ऐसी हैं जो गुजरात की हैं जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन गोवा को लेकर के पेच फंसा हुआ था, उसमें भी सहमति बन गई है क्योंकि गोवा में आम आदमी पार्टी ने जो साउथ गोवा की सीट थी उस पर अपना प्रत्याशी उतार दिया था, अपने विधायक को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी वो सीट छोड़ रही है। इसके अलावा जो चंडीगढ़ की सीट थी उस पर भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो कांग्रेस के खाते में जा रही है और चंडीगढ़ से भी कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो पेस था वो हरियाणा को लेकर के था क्योंकि हरियाणा में 2 सीटें कम से कम आम आदमी पार्टी चाह रही थी, लेकिन 1 सीट पर सहमति बनी है, यानी कुल 10 सीटें हैं जिसमें से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और कुछ ही देर में इसी समीकरण के आधार पर जो साझा प्रेस वार्ता है वो दोनों दल के नेता करके मीडिया को बताएंगे और देश की जनता को बताएंगे कि किस तरीके से गठबंधन के तहत ये दोनों दल लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। बलराम, अगर बात की जाए, इन राज्यों में तो हो चुका है, लेकिन पंजाब में जो है गठबंधन नहीं हो पाया है। पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि वहां यही दोनों पार्टियां मुख्य पार्टी भी है और विपक्षी पार्टी भी है, ऐसे में पंजाब में अलग अलग लड़ने का फैसला हुआ है। बिल्कुल, देखिए, पंजाब में गठबंधन को लेकर के बात नहीं बन पाई और आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम पंजाब के अंदर सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वहां की जो यूनिट है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, वो दोनों यही कह रहे हैं, दोनों दलों के नेता यही कह रहे हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और इस बात को लेकर के सहमति भी बन गई है। यही वजह है कि पंजाब के अंदर गठबंधन नहीं हो रहा है और पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस ने भी इस पर सहमति जताई है तो उसको लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 राज्यों को लेकर के बातचीत हुई थी, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो अकेले
चुनाव लड़ने की सहमति बनी है, बाकी चार राज्यों में गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरने की बात कही गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कुछ ही देर में जब साझा प्रेस वार्ता होगी तो किस तरीके से सीटों का बंटवारा मीडिया के सामने रखा जाता है, किस तरीके से बताया जाता है और किस स्ट्रेटजी के तहत ये दोनों दल चुनाव मैदान में उतरेंगे, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। बस कुछ ही देर का वक्त है जी। बलराम बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब से थोड़ी देर में 11:30 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सीटों के बारे में ऐलान किया जाएगा। Z News.